एक तरफ गरीब जनता, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, और दूसरी तरफ 15-20 सबसे बड़े उद्योगपति। मोदी जी ने पिछले 4 साल 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए भाइयों और बहनों, आपका पैसा लेकर 15-20 लोगों के जेब में डाला। ये जो चुनाव में जीत हुई है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। मोदी जी दो हिंदुस्तान बनाते हैं, एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का, कर्जा माफी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा हिंदुस्तान गरीब जनता का, छोटे दुकानदारों का, मजदूरों का, किसान। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। दो स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, दो स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाई। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे, जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा।